ब्रह्मविद्याम् अधिजिगमिषवस्तैत्तिरीया गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वं तद्विरयम् निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणि काण्ववाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ति च तत्त्वम् मधुमदयम् नहि देहवृता सत्यं त्यक्तुं कर्माणि यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी व्यभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई देहधारी भी अपने को माने कि मैं देहधारी हूं, और फिर सारे कर्मों को पूर्णतः छोड़ना भी चाहे, तो शरीरधारी के लिए ये शक्य नहीं है। इसलिए त्यागी कौन है? जो कर्मफल का त्यागी है वही वस्तुतः त्यागी है। त्यागी किसको कहना चाहिए? जो कर्म तो करे और उसका फल न चाहे। अब आओ, थोड़ा विचार करें। गीता का कहना है कि देहव्रत पूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं कर सकता, और गीता का यह भी कहना है कि देहवान अव्यक्तोपासना नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं स्वयं विमर्श। एक टीका वो होती है जो भगवान की ओर से आती है, तो उसको बोलते हैं स्वप्रकाश, और एक गीता में उहापोह करके आगे पीछे का मिलान करके और फिर उसका अभिप्राय निकालते हैं, तो उसका नाम होता है स्वयं विमर्श। ये गीता की व्याख्या करने की शैली है। हमको एक दक्षिणी महात्मा थे, उनका नाम एकलिंग स्वामी था, चुनार के दुर्गा खोह में रहते थे। मैं कभी भटकते भटकते उनके पास पहुंच गया था। तो ये गीता की दो शैली उन्होंने व्याख्यान की, दो शैली। अब देखो, एक बात ये कही गई कि देहवान अव्यक्त की उपासना करेगा तो उसको अधिकाधिक क्लेश का अनुभव होगा, और यहां कह दिया कि यदि देहव्रत चाहे कि हम सारे कर्मों को छोड़ दें तो छोड़ नहीं सकेगा। तो कर्म त्याग भी देहवान के लिए नहीं और अव्यक्तोपासना भी देहवान के लिए नहीं, ये दोनों व्यर्थ गए ना। और सब तो देहधारी हैं, देहवान हैं, ना अव्यक्तोपासना देहधारी के काम की रही और न तो कर्म त्याग देहधारी के लिए रहा।
तो शास्त्रों में जो अव्यक्तोपासना और कर्म त्याग का विधान है उसका क्या होगा, व्यर्थ जाएगा ना। व्यर्थम सत अर्थांतरम आपादयति। जब कोई बात व्यर्थ होती है तो उसका अर्थांतर देखना पड़ता है, उसका अभिप्राय क्या है, तात्पर्य वृत्ति से वो क्या प्रतिपादन करना चाहता है। अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, साहित्यिक लोग एक व्यंजना वृत्ति मानते हैं, मीमांसकों में एक तात्पर्य वृत्ति और प्रचलित है। शास्त्र का अर्थ समझने के लिए शास्त्रीय रीति से समझना चाहिए। हो आज से 2000 या 5000 वर्ष पहले जो बात कही गई उसको अगर उसी समय की शैली के अनुसार नहीं समझोगे, बात तो कही गई हो 5000 वर्ष पहले और तुम उसको समझो बिल्कुल आधुनिक ढंग से, आज की पाश्चात्य शैली से, विज्ञान शैली से, तो बात समझ नहीं आ। जो बात जिस समय जिस व्यक्ति के द्वारा जिस अभिप्राय से कही गई है उसका अभिप्राय समझने के लिए उसकी स्थिति में जाना पड़ता है। इसी को कहते हैं आकांक्षा, विवक्षा, कहने वाला क्या कहना चाहता है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम। क्लेश होगा वो अव्यक्ता गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। देहवान के द्वारा अव्यक्त गति पर क्लेश साध्य है। क्लेश क्या होगा, ऐसे उसको छोड़ मत देना। क्लेश क्या होगा उसका, एक तो पहले वो अव्यक्त को समझ ही नहीं सकेगा कि क्या है, ये अविद्या क्लेश है, वो क्लेश क्लेश क्षेत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरे। पहले तो समझ ही नहीं सकेगा कि अव्यक्त क्या होता है। दूसरे यदि कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा तो अस्मिता हो जाएगी, अस्मेर भाव अस्मिता, अहम अस्मि, मैं भी कुछ हूं, अव्यक्त को समझता हूं, अभिमान हो जाएगा। और अव्यक्त पने का जब अभिमान होगा तो बोले राग द्वेष तो मिथ्या है, होए तो होए, बोले राग द्वेष होते हैं तो क्या हुआ, होने तो मिथ्या है, और अभिनिवेश हो जाएगा, असल में देहाभिमान छूटेगा नहीं। इसलिए जो देहवान अर्थात देहाभिमानी है, जिसका देहाध्यास नहीं छूटा है, ये नहीं कि कोई भी अधिकारी हो, समदमादी संपन्न अधिकारी हो, निराभिमान अधिकारी हो, उसके लिए भी अव्यक्तोपासना दुखद है, ये अर्थ नहीं होगा। वहां देहवान का अर्थ होगा देहाभिमानी, स्थूल देह में, सूक्ष्म देह में, कारण देह में जिसका अभिमान है। क्योंकि देहधारी के लिए अव्यक्तोपासना नहीं है, ये अर्थ करोगे तो अव्यक्त उपासना ही व्यर्थ हो जाएगी। मनुष्य के लिए नहीं है तो क्या अदेहधारी के लिए, भूत प्रेत के भी देह होता है, देवता के भी देह होता है, ब्रह्मा विष्णु के भी देह होता है, माने देह तो होवे और देहाभिमान न होवे तब अव्यक्तोपासना का अधिकारी होता है, उसका अर्थ ये निकलता है। अब अव्यक्तोपासना तो कही उधर, वैसे गीता में
उपासना का भेद होने पर भी जो अव्यक्तोपासना का फल है वही व्यक्तोपासना का फल है, और जो व्यक्तोपासना का फल है वही अव्यक्तोपासना का फल है। पहुंचना एक ही जगह पड़ेगा। माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कृष्ण की करो उपासना अव्यभिचारी योग से और त्रिगुणातीत ब्रह्म हो जाओ। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और करो निर्गुण की उपासना और मिलेंगे सगुण परमेश्वर। ये भी है गीता में, जे त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यंच कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव। करेंगे अव्यक्तोपासना और मिलेगा कृष्ण का माम, और कृष्ण के माम की करेंगे उपासना और मिलेगा त्रिगुणातीत ब्रह्म। माने वो श्री कृष्ण का जो माम है वो एक ही है। तो, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता आहा सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये बीच में पड़ा है देहाभिमान, ये न गुणातीत स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये न उधर को उपासना के क्षेत्र में देहाभिमान न गुणातीत को मिलने देता है, न अव्यक्त को मिलने देता है, और न साधन के क्षेत्र में कर्म त्याग करने देता है। दोनों को मिला दो। नहि देह वृता सक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। कोई कोई ना और ही दोनों को अलग अलग करके व्याख्या करते हैं, और कोई नहि, नहि एक अव्यय है। मीमांसा शास्त्र के सूत्रों में प्रायः न ही एक पद के रूप में प्रयोग है। तो हैं कैसे, बोले देहव्रत है। देहव्रत है माने देहम विभर्ति इति देहव्रत तेन देहव्रता, जो देह के ही पालन पोषण में लगे हुए हैं। सीधे ही अर्थ है, बस जो है सो देह है। ब्रह्म ज्ञान भी है तो देह के लिए, भगवान की उपासना भी है तो देह के लिए, धर्म भी है तो देह के लिए। जितनी अध्यात्म चर्चा करते हैं उसका फल देह में निकालते हैं। ऐसा करने से क्या होगा भाई, तुलसी का सेवन करने से क्या होगा, जुकाम नहीं होगा, मार दिया ना तुलसी का तो सत्यानाश किया। तुलसी सेवन का फल है भगवान का स्मरण होना, अंतःकरण का पवित्र होना, दैवी शक्ति का आविर्भाव होना। और जिसके लिए तुलसी की इतनी महिमा गाई गई वो तो छूट गया। अब सबसे बढ़िया चीज तो यही हुई ना, जोग हो गया शरीर को बलवान बनाने के लिए, भगवान की पूजा पत्री हो गई रुपया पाने के लिए, कि भगवान की पूजा करेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। भगवान की सेवा पूजा तो हो गई रुपया पाने के लिए, और जोगा हो गया देहा के लिए, तो धर्म हो गया कीर्ति कमाने के लिए, जश लेने के लिए, और ज्ञान हो गया उच्छृंखलता के लिए, चाहे जो चाहे सो करें।
तो ये जो साधना का उद्देश्य था, धर्म के द्वारा शारीरिक संयम प्राप्त करना, भक्ति के द्वारा सांसारिक वासनाओं को मिटाना, योग के द्वारा वृत्तियों का निरोध करके स्वरूप में अवस्थित होना, तत्व ज्ञान के द्वारा द्वैत भ्रम का ध्वंस करना, जो आध्यात्मिक लाभ था सो तो छूट गया, जड़ ही कट गई। अब यदि लेबोरेटरी में सिद्ध हो जाए कि योग करने से अमुक रोग दूर नहीं होता तो योग छोड़ देंगे, यदि सिद्ध हो जाए कि भगवान की भक्ति पूजा करने से धन नहीं मिलता तो भक्ति छोड़ देंगे, और यदि ये हो कि नहीं ज्ञानी होने पर भी सदाचार से रहना पड़ता है, संयम से रहना पड़ता है, देवता की तरह रहना पड़ता है, तो तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होए, तो असल में मनुष्य की दृष्टि ऐसी भौतिक हो गई कि वो ये पूछ बैठता है कि हमको ईश्वर मिलेगा तो क्या फायदा होगा, वो फायदा कहाँ होगा, देह में होगा। तो आप धर्म के द्वारा देह की पुष्टि चाहते हैं, भक्ति के द्वारा वासना की पुष्टि चाहते हैं, योग के द्वारा स्वास्थ्य चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा उच्छृंखलता चाहते हैं, माने लक्ष्य भेद हो गया, लक्ष्य भंग हो गया। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए ये साधना थी वो तो छूट गई, और उसको हमने संसारी भावनाओं में फैला दिया। बोले हम देह का सीधा अभिमान नहीं होता है। ये दस श्लोकी जो बोलते हैं ना, ये हमारे न भूमि क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, एक सत श्लोकी है और एक दस श्लोकी है। शंकराचार्य की दस श्लोकी पर मधुसूदन सरस्वती का व्याख्यान है, उसका नाम है सिद्धांत बिंदु। तो उसमें इस बात का विवेक किया कि अहम देहा ऐसा अभिमान तो संसार में किसी को देखने में नहीं आता है। मैं अस्थि चर्म रक्त मेदो मज्जा का एक पुड़िया हूं, ऐसा अभिमान तो किसी को सृष्टि में होता नहीं। तो अदृष्टचर है, तब बोले इसमें जो अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, अहम वैश्य, ब्राह्मणत्वादि की शरीर में कल्पना करके और तद विषयक जो अभिमान है वही देहाभिमान है। अहम मनुष्य ये अभिमान है, अहम स्त्री, अहम पुरुष, अहम कर्ण खंज, ये अभिमान है। माने देह धर्म का अपने में अध्यास है, देह में जो कल्पित वर्णाश्रमादि हैं उनका अपने में अध्यास होता है, अहम देह ये सीधा अध्यास नहीं होता। तो जहां एक अध्यास हुआ, एक कल्पना हुई, एक था मुर्शिद फकीर था और एक था उसका चेला, दोनों कहीं यात्रा कर रहे थे। तो चलते चलते बेचारे थक गए, अब उनको आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। तो एक बड़ा बाजरे का खेत, उसमें मचान बना हुआ था, खेत का मालिक वहां नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि चेला तू पहले इस मचान पर सो जा और मैं घूमता हूं, जब तेरा आराम हो जाएगा तब मैं आराम करूंगा।
वो जाके मचान पर सो गया चेला। इतने में खेत का मालिक आ गया, उसने देखा उसके मचान पर कोई सो रहा है, उठाया, कौन है रे? और वो उठ के बैठ गया, बोला कि मैं फकीर हूं। बोले फकीर है तो आके हमारे मचान पर सोता क्या? फकीर का काम और किसी के मचान पर सोना नहीं है, चुमका है तू तो। दो थप्पड़ मारा और भगा दिया। थोड़ी देर के बाद थोड़ा वहां बैठा, देखा खेत वेत देखा, फिर वो दूसरे खेतों को देखने के लिए घूमने चला गया। तो गुरुजी ने सोचा कि ठीक है, मचान खाली है, अब हम इस पर आराम कर लें। गुरुजी जाकर सो गए। फिर खेत का मालिक आया, कौन है, कौन आके हमारे मचान पर सोया? वो लेटे थे, उठ कर बैठ के। अब वो कुछ बोला ही नहीं, वो बारंबार पूछे तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, वो कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा भाई ये कौन है, बोलता क्यों नहीं है, गूंगा तो है नहीं, हमारी आवाज सुन के तो बैठ गया। उसने डांटा डपटा फिर भी नहीं, तो चुपचाप। तब उसके मन में ही आया कि कहीं ये कोई फकीर तो नहीं है। तो फकीर बनोगे तो पिटोगे, और दूसरा कोई अपनी श्रद्धा से फकीर माने तो उसको मानने की छुट्टी है, लेकिन जो खुद फकीर बनेगा वो पिटेगा। तो देह में जो अभिमान करके बैठे हैं कि मैं अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक हूं, मैं राजा हूं, ये अभिमान है, मैं सेठ हूं, ये अभिमान है, तो मैं विद्वान ब्राह्मण हूं, ये अभिमान है, ये सब शरीर में कल्पित है, शरीर के संबंध से कल्पित है। ये यहां तक ही नहीं, जैसे मैं ब्राह्मण हूं ये कल्पित है, वैसे मैं पहलवान हूं ये भी कल्पित है, तो फिर मैं धनवान हूं ये भी कल्पित है, कब मैं बड़ा प्रेमी हूं का ये भी कल्पित है, कब मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं का ये भी कल्पित है, कब मैं समाधिमान हूं ये भी कल्पित है, कब मैं बुद्धवान हूं का ये भी कल्पित है। तो देहवत्ता जहां रहेगी वहां कर्म का संबंध जरूर रहेगा। यदि आप देह में कोई कल्पना करते हैं और उस कल्पना को अपने में स्वीकार करते हैं, देह में ब्राह्मणत्व सन्यासित्व आदि कल्पित हैं, और उसको यदि मैं में आरोपित कर लिया तो गए, बंद गए, फिर आपके ऊपर कोई ड्यूटी आ जाएगी। देखो बच्चे से कोई काम कराना हो तो वैसा काम करके उसको बताना चाहिए, वो नकल कर रहे हैं। आप बच्चे को समझाने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं समझेगा। आप अपनी 50 बरस से कमाई हुई समझ 5 बरस के बच्चे के दिमाग में जब घुसने की कोशिश करते हैं तो उसको न समझना बच्चे का दोष नहीं है, उसको बच्चे के दिमाग में ठूंसने की कोशिश करने वाले का दोष। बत्तुरे वही तज्जात दियम श्रोता यत्र न होते, जहां श्रोता समझता नहीं है वहां वक्ता के बोलने का दोष है, उसके स्तर की बात को क्यों नहीं समझाता? वो तो बैठा है धरती पर सुना रहे हैं सातवें आसमान की, बैठा है सातवें आसमान पर सुना रहे हैं धरती की, कैसे समझना है? लेकिन एक बात आप देखो, जहां ड्यूटी होती है, एक सैनिक है, सेनापति ने आज्ञा दी बंदूक सीधी करो, सीधी किया, निशाना लगाओ, लगाया, छोड़ दो गोली, छोड़ दे,
यदि वहां सिपाही ये समझने की कोशिश करे कि पहले हम समझ लेंगे कि किस पर गोली चलानी है, किस लिए गोली चलानी है, और कहने ही पहले हमको सेनापति जी पहले हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि गोली चलाना उचित है, तब चलाना है, तो सिपाही गिरी गई, चिन गई सिपाही, सिपाही कहना चाहिए तो उसी के ऊपर गोली चलाई जाएगी, फिर वो गोली चलाने वाला नहीं रहेगा, गोली का पात्र हो जाएगा। इसी से धर्म जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि, प्रविभक्त कर्म है, माने कर्मों का बंटवारा कर दिया गया, तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, ये चक्र की प्रवृत्ति ऐसे ही है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो भोगं पार्थो सजीवति। स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए सेवक को, सेनापति की आज्ञा का पालन करना चाहिए सैनिक को। हम लोगों की तरह अहीर होते हैं, अहीरों के ये जादव लोग हैं ना, आजकल तो बड़े बड़े मिनिस्टर बीच में हो गए थे, जैसे चंद्रदीप यादव हैं, राम नरेश यादव हैं, नरसिंह यादव हैं, वो सब हमारे गांव के आस पास के हैं ज्यादातर, तो इनकी माने कोई 20-20 कोस के भीतर के ही सब हैं। उनमें ये प्रथा थी पहले कि रात को आगे की बात फिर पढ़ेंगे, पहले इसको समझा दीजिए। तो अगर गुरु जी को नहीं आता होगा समझाना तो कह देंगे अग्रे स्पष्टम भविष्यति, आगे चल के ये बात साफ हो जाएगी, या कुछ मूर्ख मूर्ख कह के है ना डांट देंगे, वो बात दूसरी है। लेकिन जब शिष्य दर्शन शास्त्र पढ़ेगा तो दर्शन शास्त्र आज्ञा के लिए नहीं होता है, विधि शास्त्र आज्ञा के लिए होता है और दर्शन शास्त्र बोध के लिए होते हैं। ये दो विभाग हैं शास्त्र के, इसी को कर्म शास्त्र और ज्ञान शास्त्र बोलते हैं। ये तत्व ज्ञान वाला शास्त्र ज्ञान शास्त्र होता है और धर्म वाला शास्त्र धर्म शास्त्र होता है, तो उसमें विधि विधान की प्रधानता होती है। अब आप देखो अपने आप को कहां बैठे हो, स्थूल शरीर में तुम्हारा मैं है कि सूक्ष्म शरीर में है कि कारण शरीर में है, आप कर्म से छूट नहीं सकते। कर्म संन्यास के लिए भी देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना के लिए भी देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा, और यदि देहाभिमान है साकार बुद्धि ईश्वर में कब तक मर्यादा है इसकी, जब तक अपने में साकार होती है, जब तक हम अपने को सकल सूरत वाला मानते हैं तब तक ईश्वर को भी सकल सूरत वाला मानना पड़ेगा, और जब हम अपने को निराकार समझ लेते हैं तब ईश्वर को भी निराकार समझने का हक हो जाता है। साकार धीरात्मन जावद अस्ति, साकार अधी ही साकार अधीर ब्रह्मण तावद अस्ति, साकार अधीर आत्मन यावद अस्ति, साकार अधीर ब्रह्मण तावद अस्ति। जब तक आत्मा में साकार बुद्धि है कि मैं देहधारी हूं देह वाला हूं, तब तक परमात्मा को भी आप देहधारी मानकर उपासना कीजिए। जब आप अपने को देहातीत देहातिरिक्त आत्मा के रूप में जानेंगे तब परमात्मा को भी देहातिरिक्त देहातीत रूप में जान सकेंगे। तो उधर अव्यक्तोपासना और इधर कर्म संन्यास दोनों देहाभिमान से मुक्त होने पर है। अब एक देखो दूसरी बात, देह होते हैं तीन, थूल देह जिसको हम लोग ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा
भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये हड्डी अलग अलग हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र जोड़ के एक शरीर बन गया। ये तो बिल्कुल साफ है कि पंचभूत से बना हुआ है, जड़ पंचभूत में कलरिप्त है। जरा सी आंख वाला आदमी इसको समझ सकता है कि शरीर में जो आकाश है, देहोपाधिक आकाश, देहावच्छिन्न आकाश, जितनी दूर में देह है वो आकाश, जो महाकाश को बाकी आकाश से अलग करने वाली उपाधि है। यदि आप विचार करके देखें तो इस देह में ये जो आकाश है ये परिच्छिन्न नहीं है, ये न देह के साथ चलता है, न देह से कटता है, न देह के पैदा होने पर पैदा होता है, न देह के मरने पर मरता है। आकाश तो आकाश ही रहता है, और ये भौतिक है, वो भूत है। भूत जब भूताकाश की ये गति है कि वो देह की परिच्छिन्नता से परिच्छिन्न नहीं होता, तब चित्ताकाश या चिदाकाश, जब भूताकाश परिच्छिन्न एक शरीर से नहीं होता तो चेतनाकाश या सूक्ष्माकाश, चित्ताकाश या चिदाकाश, वो भला एक देह से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? कहीं कोई उसमें विचार की गंध ही नहीं है? अपने को ये हड्डी मांस चाम का शरीर माने बिना कोई परमात्मा से विमुख हो नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। हमारे और परमात्मा के बीच में ये हड्डी मांस चाम का शरीर आकर बैठ गया है। तो देह में मैं छोड़ा नहीं और छोड़ दिया कर्म है, सूक्ष्म देह में मैं छोड़ा नहीं और छोड़ दी उपासना, और कारण शरीर रूप जो अविद्या है, अविद्या रूप जो कारण शरीर है, कारण शरीरम अविद्या, कारण शरीर कुछ स्थूल या सूक्ष्म भूत से बना हुआ नहीं होता, वो पंचीकृत अपंचीकृत किसी का नहीं होता। तो कारण शरीर तो केवल न समझना इतना ही उसका रूप है, जहां न समझना कारण होता है वहां कारण होता ही नहीं है, कारण कारक भाव ही नहीं होता। तो तीनों में से कहीं भी यदि आपका मैं है तो आप हो गए देहव्रत। बोले अब हम कर्म छोड़ेंगे, तो नहीं जी, देह रहेगा तो आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो पानी पीने का कर्म करना पड़ेगा, खाने का कर्म करना पड़ेगा, और जब खाएंगे पिएंगे तो पेशाब करने का, पेशाब पेशी में जो पानी रहता है उसको पेशाब, पेशाब करना ही पड़ेगा, तब आपके बाल भी बढ़ेंगे, तब पसीना भी आवेगा, तब खून भी चलेगा, और तब बिना हिले डोले रह नहीं सकेंगे, कुछ न कुछ हंट संट काम करना पड़ेगा। अच्छा सूक्ष्म शरीर में हम मैं रखते हैं, करे भाई वो भी तो चलता है ना, सूक्ष्म शरीर भी हिलता डोलता है, मन कलकत्ते जाएगा, मद्रास जाएगा, बंबई जाएगा, वो मानस कर्म हुआ, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म कर्म होता है, मानस कर्म होता है। यदि आप अपने को सूक्ष्म शरीर मानोगे तब भी कर्म त्याग नहीं हो सकता। अच्छा यदि अविद्या शरीर मानो केवल, तो कभी विद्या विशेष का उदय होगा, कभी विद्या विशेष का लोप होगा, ये विद्या के दोनों चट्टे बट्टे हैं। विद्या के अभाव का नाम अविद्या नहीं है। बहुत बच्चे थे तभी राजेश्वर शास्त्री ने
हम तो उनके पिताजी के माम हो गया लक्ष्मण शास्त्री के सामने थे, परंतु पंडित राज राजेश्वर शास्त्री एक विद्यार्थी को सिखा रहे ज्ञानाभाव अज्ञानम ज्ञान विशेषाभाव अज्ञानम यानी ज्ञान विशेष का। वेदांति लोग भी ऐसे ही मानते हैं आत्मा ब्रह्म है इत्याकारक ज्ञान, इत्याकारक ज्ञान न होना अज्ञान है। अज्ञान माने न मालूम पड़ना नहीं, अज्ञान माने अप्रतीति नहीं, अज्ञान माने आत्मा को ब्रह्म न जानना। घट का अज्ञान घटा ज्ञान है, पट का अज्ञान पटा ज्ञान है, मठ का अज्ञान मठा ज्ञान है, ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्मा ज्ञान है। और इससे ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मा ज्ञान की ही निवृत्ति होती है, घटपट के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती ब्रह्म ज्ञान से। ऐसा तो यदि आप अविद्या शरीर में रहते हैं तो उसमें भी कभी किसी विषय की विद्या का उदय होगा तो किसी विषय की अविद्या रहेगी, किसी विषय की अविद्या रहेगी तो किसी विषय की विद्या का उदय होगा। वहां भी वैद्य कर्म जो है वो होता ही रहेगा, विद्या विद्यात्मक कर्म वहां भी रहेगा। इसलिए कोई भी देहधारी चाहे स्थूल शरीर का अभिमान करे, चाहे सूक्ष्म शरीर का अभिमान करे, चाहे कारण शरीर का अभिमान करे, यदि वो देहधारी बना बैठा है तो अशेषतः अशेषम सार्वभौतिक पैसे, तो अशेष कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, कोई न कोई कर्म शेष उसके साथ लगा रहेगा। मूल बात यह है कि जहां कर्तृत्व तो बना हुआ है वहां कर्म का पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। हम ये करते हैं कर्तापन बना हुआ है तो भाई मेरे कुछ युक्ति करो ना, कर्म करो अपने साथ चिपकाने के लिए नहीं, साइन बोर्ड लगाने के लिए नहीं, हमने ये अस्पताल बनाया है, हमने ये विद्यालय बनाया है, अपने अभिमान को फैलाने के लिए नहीं। कर्म साइन बोर्ड लगाने के लिए अपने साथ अपने सिर पे नहीं किया जाता, कर्म किसी उद्देश्य से किया जाता है। किसके लिए कर्म करते हो, किसकी प्रेरणा से करते हो एक बात, और क्या करते हो ये दूसरी बात, और किसके लिए करते हो ये तीसरी बात। आप जब कर्म करें तब ये देखें इस कर्म का प्रेरक कौन है, जोगेश्वर है कि नहीं, जत्र जोगेश्वर कृष्ण, योग माने उपाय, योग संभन उपाय प्रेरक, उस कर्म का जोग का, कर्म योग का, उस उपाय का प्रेरक जोगेश्वर कृष्ण है कि नहीं एक बात, और यत्र पार्थो धनुर्धर कर्म का स्वरूप क्या है, उचित है कि नहीं क्षत्रिय पार्थ का धनुर्धारी होना उचित है। ईश्वर की हो प्रेरणा, जीव हो साधन संपन्न, धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा मतिर, इसी को बोलते हैं धर्म क्षेत्र में सिद्धार और मामा का मां, दोनों मिला के बना धर्म। गीता का आदि अक्षर है धर्म और अंतिम अक्षर है मां, और दोनों के संपुट में है गीता धर्म। कर्म ये मां की बड़ी भारी महिमा है, वो क्या ब्रह्म क्या आत्मा और क्या महात्मा, सब में ये क्या क्या प्रमा क्या ब्रह्म, सब में मकार अनुगत होता है।
बड़ी भारी महिमा है इसकी। ये जो आप कर्म करते हैं उसको आप विचार करके देखें, भक्ति भी मानस कर्म है, योग भी एक आभ्यासिक अभ्यास कर्म है, धर्म भी एक शास्त्रोक्त कर्म है, यहाँ तक कि भ्रम निवारक जो प्रमा है वो भी महावाक्य जन्य वृत्ति विशेष होने के कारण वो भी कर्म है। यदि कर्म की सूक्ष्म गति का गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, तो बिना तत्व साक्षात्कार हुए, बिना ब्रह्मात्मैक्य बोध हुए, यदि कोई कहे कि कर्म छूट गया तो नहीं छूटा, इसलिए तब तक कर्म करो। कैसा कर्म करो? निस्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म न हो तो, और निस्वार्थता की प्राप्ति के लिए कर्म करो। हम मानते हैं निष्काम कर्म नहीं होता है, क्योंकि जो अपने को भोक्ता माने बैठा है कि मैं सुखी होता हूं मैं दुखी होता हूं, और दिन भर में 17 बार सुखी दुखी होता है, वो माने कि हम फल बिल्कुल नहीं चाहते हैं कर्म का, तो एक हंसी की बात, उपहास की बात हो जाएगी। इसलिए अपने को कर्ता जानते मानते हुए कर्म का परित्याग नहीं हो सकता, और अपने को भोक्ता जानते मानते हुए और समग्र फल का परित्याग नहीं हो सकता। तब इनका परित्याग कब होता है? जब आत्मा की स्वतः सिद्ध ब्रह्म रूपता का ज्ञान होता है। इसलिए जब तक देहधारी हो बाबू तब तक निष्कामता की प्राप्ति के लिए, निस्वार्थता की प्राप्ति के लिए अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करते जाओ। अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना। वो इसके लिए नहीं है कि उससे रुपया मिले, वो इसके लिए है कि आपका जीवन सुधर जाए, आपका चरित्र शुद्ध हो जाए, आपका मन पवित्र हो जाए, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, और आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं। कर्म इसके लिए किया जाता है। डॉक्टर का काम करने के लिए कर्म नहीं किया जाता है, पैसे के लिए कर्म नहीं है, भोग के लिए कर्म नहीं है, चिकित्सा के लिए कर्म नहीं है। कर्म है आत्मशुद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए। आप अपने आप को समझिए। ओम।